लो गाइस, हिमाचल जाने की तैयारियां हो रही हैं। आज सुबह से उठते से जो काम में लगी, बस सारा दिन काम ही चलता रहा। आज तो एक सेकंड भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। सुबह उठते ही जब सारा ब्रेकफास्ट और लंच भी बना लिया, उसके बाद मैं अपने रूम में आई, डस्टिंग वगैरह की। ये कुछ कपड़े वगैरह है जो मैंने चेंज किए, बेडशीट्स और बेड कवर वगैरह, पिल्लो कवर, ये सब चेंज किया। उसके बाद पूरे कपड़ों का ढेर लगा पड़ा था रस्सियों पे, जो कि बारिश के कारण से सूखती नहीं है। और बहुत सारी समस्याएं भी हैं कि बालकनी भी मतलब इतना भर जाती है कि कपड़ों को धूप नहीं लगती। तो आज मैंने सारे कपड़ों को निकाला, तय किया और रखा। बहुत काम था, पूरा बेड भर के कपड़े थे। काम तो बहुत ही होता है, क्या करें। आज मुझे मट्ठी भी बनानी थी पैकिंग के लिए। मतलब हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं पठानकोट से लेके, मतलब पहले तो बेंगलोर से जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से मतलब हम लोग न्यू दिल्ली पहुँचेंगे, और उसके बाद न्यू दिल्ली से हमारी पठानकोट की ट्रेन होगी। ट्रेन पठानकोट पहुँचेगी, उसके बाद हम लोग का टेम्पो ट्रैवलर है 12 सीटर का। तो वहाँ जा कर के हम मतलब काफ़ी ठंड होगी, इसके लिए मैंने डिकैथलॉन से शॉपिंग की है। और वहीं जाने के लिए हम लोग का लंच किधर भी एक रहेगा नहीं फिक्स कि कहाँ, क्योंकि दिन भर हम लोग घूमेंगे। तो चलो, सब ने डिसाइड किया कि कोई कुछ लेके आएगा, कोई कुछ सूखा नाश्ता में। तो मैंने मट्ठी बनाई आज, तो पूरा दिन मतलब मेरा मट्ठी बनाना और घर की साफ़ सफाई और अपने पैकिंग वैकिंग सब में गया है। बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था आज तो। और हेल्प भी नहीं मिली, सबसे बड़ी बात है, किसी की हेल्प इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और बेटा है वो तो अपने काम से ही जाएगा, हस्बैंड भी काम से ही जाएंगे। तो कुल मिला के अकेले मैं ही हो गई थी सब कुछ करने के लिए, और ले दे के करना भी पड़ा, करना भी पड़ता ही है, और कौन करेगा। तो ये देखिए कपड़ों का कैसे ढेर लगा पड़ा, और कैसे वहाँ बाहर तार पे कितने कपड़े हैं, पूरी बालकनी भरी पड़ी है कपड़ों से। और इस तरीके से सारे कपड़े उतार के ढेर का ढेर तय किए, कुछ धोने के लिए भी लगाए। मतलब कपड़ों से तो मेरे घर में ना, मतलब मेरे क्या, मेरे को लगता कोई घर ही नहीं बचा है जो कपड़ों से निजात पा जाए। मतलब इतना आजकल कपड़ा होने लगा है, टाइम टाइम की बात है, किसी समय में 10 जोड़ी 5 जोड़ी भी मुश्किल से होते थे, और अब देखो हजार हजार जोड़ी रहती है। उसके बाद भी हर कहीं जाओ तो शॉपिंग, घर में रहो तो भी टिकना नहीं है। मतलब हर हाल में देखिए कैसे कपड़े फेंके जा रही हूँ मैं, कपड़े ही कपड़े हैं बस, पूरे घर में कपड़े हैं। अब ये हिमाचल का ट्रिप कई दिनों तक चलेगा, तो मैं ऐसी ही वीडियोस बना बना के डालती रहूँगी, सारे अपडेट्स भी दूँगी, और जो भी मैंने डेकैथलॉन से शॉपिंग की है वो भी मैं बताऊँगी, और कितना मैंने लेयर पहना है ताकि वो बॉडी वार्म रहे, किसी भी प्रकार की ठंड ना लगे, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। परंतु जो आगे की अपडेट्स है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में देते रहूँगी मैं, आप प्लीज़ मेरे साथ स्टे ट्यून और देखते रहिए। इस बीच में काम कर रही थी तो कुरियर वाला आया, कुरियर वापस करना तो मुझे थोड़ा डिफेक्टेड आ गया था, तो मैंने वो कुरियर का सामान वापस किया। ये देखिए मैंने कुरियर से मैंने कैप मंगाई थी और जो कि डिफेक्टेड थी, ये नेक पीस पे कट लगा हुआ था जिसके कारण से मेरे को वापस देना पड़ा। फिर मैंने मतलब डेकैथलॉन से ही परचेज़ कर लिया, मतलब ऑलरेडी डीकैथलन से परचेज कर चुकी थी, इसलिए भी वापस कर दिया क्योंकि एक तो डैमेज पीस था और फिर ये पहले से भी आया हुआ था, तो पता चला। देखिए फुल बेड कैसे भरा हुआ है, और मेरा ये सूटकेस, आज सूटकेस लग रहा है पूरा, मेरी पैकिंग हो रही है, तो हॉल डे मतलब पूरा दिन मेरा इसी तरीके से गया है काम करते करते। ये देखिए सारी शॉपिंग का पड़ा हुआ है यहीं पर, मिक्स खिचड़ी सी बनी हुई है पूरे बेड पे, कहीं कुछ है कहीं कुछ है।
सारे कपड़े समेटने के बाद मैं अब आपको ये दिखा रही हूँ क्या क्या शॉपिंग की मैंने। ये शॉपिंग की है डिकैथलॉन से, जो कि बॉटम वेयर है। तो ये बॉडी केयर जैसे ही है, गर्म रहेगा। फला लाइन है फ्लीज का। उसके बाद ये कैप खरीदी, मतलब ये नेक राउंड है इसको। हाँ, एक कानों पे भी ढकने के लिए कर सकते हैं और गले को भी ढक सकते हैं इससे। उसके बाद ये है कैप, जो कि बहुत गर्म है। अभी तो सीधा वहीं पता चलेगा, वहाँ की ठंड जो होगी, बर्फ़ ही बर्फ हर जगह, वहाँ पर पता चलेगा कि कितना ये कामयाब है काम नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। ये देखिए डाकुओं जैसे सब ऐसे ही ढक के रहने वाली हूँ मैं वहाँ पर। हाँ, अगर मेरे को लगा कि सिर पे और ठंड लग रही है तो मैं ऐसे डबल भी उसको कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने एक कैप और रखी है छोटी सी, इसको मैं नीचे डाल लूँगी। मतलब ये जो बड़ी पिंक रेड कलर की कैप है ना, उसमें नीचे डाल लूँगी अगर मेरे को बहुत ज़्यादा सिर में ठंड लगी तो। क्योंकि सिर पे ठंड लगती है तो आपको फीवर, जुखाम और कोल्ड सब हो जाता है। नाक भी रनिंग करने लगती है, मतलब बहने लगती है। और ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो मुझे है भी, क्योंकि बेंगलोर का क्लाइमेट में रहते रहते हमें उधर के क्लाइमेट का कुछ भी नहीं पता है। और इतना ज़रूर पता है कि बहुत ठंड होती है। इसके लिए ही मतलब प्रिकॉशन के अकॉर्डिंग ही मैं दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा रख रही हूँ। और ये भी मेरे को लग रहा है कई बार तो कम तो नहीं है। ये पोंचू है, जो कि मैं चाहूँ तो मतलब कहीं पर भी, जैसे नहाते वक्त हम जाते हैं बाथरूम की तरफ, तो मतलब सिर्फ पोंचू डाल के फटाक से शॉल ओढ़ने की जगह पोंचू डाल के नहाने की तरफ चले गए और उतनी दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि हम सारे कपड़े तो बाथरूम में ले जा नहीं सकते ना, पोंचू पहन के आ गए, पोंचू पहन के चले गए। ये बहुत गर्म है स्वेटर, बहुत ज़्यादा गर्म है, अजीब सी गर्मी लगने लगती है इसमें से, इसको पहनते साथ। उसके बाद ये पहुँचू तो मैंने आपको दिखा दिया है। और ये वो फ्लीज वाला जैकेट है, जो डिकैथलॉन से लिया है अभी अभी। उसके बाद ये बड़ा वाला जैकेट है, जो मैंने डबल एक्सल साइज में लिया। मतलब डबल एक्सल का मतलब यूके में ट्रिपल और फोर एक्सल जितना होता है। तो वो इसलिए लिया क्योंकि नीचे चार लेयर ड्रेस होगी कपड़े की, तो जैकेट अगर छोटी रही तो नीचे वाले लेयर को के ऊपर से ये जैकेट पहनना मुश्किल होएगा, टाइट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा अपने साइज़ से थोड़ा सा बड़ा लिया, ताकि मैं इसके नीचे जितनी भी लेयर पहनना चाहती हूँ पहन लूँ। चार वो आएंगे कपड़े, फिर दूसरा ड्रेस है ये इनर, ये बॉडी वार्मर है, बॉडी केयर के जैसे होते हैं। सबसे फर्स्ट लेयर पहनेंगे इसको। ये एक्सल लिया है मैंने, एक्सल का साइज है ये। फिर उसके बाद लिया है ये हैंड ग्लव्स, ये सॉक्स, पेयर ऑफ हैंड ग्लव्स एंड सॉक्स। ये टच स्क्रीन के सॉक्स हैं, सॉरी हैंड ग्लव्स हैं, जिससे कि हमें मान लो स्क्रीन पे कुछ यूज़ करना मोबाइल के, तो बार बार निकालना नहीं पड़ेगा हाथ, और उसी से आप काम कर सकते हैं। ये नेक जो आप स्लिपिंग क्या बोलते हैं इसको, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। इसको आप जैसे फ्लाइट के वक्त यूज़ कर सकते हैं, समटाइम्स नींद आ जाती है तो आपको टेक गर्दन को सपोर्ट देने के लिए कुछ चाहिए रहता, तो ये एक है। और ट्रैवलिंग में भी ये बहुत यूज़ होएगा, नेक सपोर्टर। और ये है मेरे वुलन की
प्लाजो, दो प्लाजो हैं वुलन के जो कि मैं इसको वार्म रहते हैं, ये भी गर्म है तो इसको मैं यूज़ कर लूँगी वहाँ की ठंड के लिए। और ये एक और पोचू है, मतलब कमी नहीं है, जितना भी हो सारा स्वेटर ही स्वेटर, कोई भी वैसा नहीं रखा हुआ है कि भाई मतलब टी शर्ट है, स्कर्ट है, सूट है, कुछ नहीं, बस इस तरीके की गरम गरम चीज़ें रखी हैं सारी की सारी। और नीचे पहनने के लिए भी दो तो प्लाजो हो गए, और ट्रैक पैंट है, फ्लीस का ये वार्मर बॉटम है, ऐसे करके पांच है। ये एक और जैकेट है जो ये भी बहुत वार्म है, गर्म है। अभी देखे कोई आ गया घर पे, बेल बजी है तो बस एक बार जाना ही पड़ेगा। हिमाचल जाने के लिए सबसे पहले हमको वहां पर माइनस डिग्री में आ जाएगा उसमें, वो क्या बोलते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर बोलेंगे ना, तो टेम्परेचर माइनस डिग्री में जाएगा। हिमाचल जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पठानकोट जा रहे हैं, गुलमर्ग तक जा रहे हैं, तो उसके क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है। तो मैंने अभी तक के डेकैथलॉन से शॉपिंग की है, और सबसे पहले मैंने नीचे में एक लेयर पहना है, ये बॉडी वार्मर है, ये बॉटम बॉडी वार्मर है, उसके बाद ऊपर मैंने जीन्स पहनी है, वो लेयर मैंने पहनी है नीचे। इसके बाद भी अगर ठंड लगती है तो ये वुलन का प्लाजो है, हम वुलन का प्लाजो भी पहन सकते हैं, तो तीन लेयर नीचे हो जाएगी। उसके बाद मैंने नीचे में पहना है दो लेयर, एक है बॉडी वार्मर ये वाला, ये डेकैथलॉन का है बॉडी वार्मर, है ना, बॉडी केयर कह लो, बॉडी वार्मर। फिर मेरी एक टी शर्ट है, ये टी शर्ट हो गया, उसके ऊपर मैंने ये एक गरम वुलन जैकेट पहना है, और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम ये वाली जैकेट पहन सकते हैं। ये भी डेकैथलॉन से लाया हुआ है, ये 1000 रुपीस का है, ये 800 का है, और ये जो है ये नीचे वाला ये है 300 का, ब्लैक वन ये वाला, और ये नीचे इसकी जो पहना हुआ है बॉटम वार्मर ये भी 300 का है, और ये इसके बाद फिर हम ये जैकेट ऐसे पहन लेंगे। तो अब हमारी कितनी लेयर हो गई, ये नीचे मिला के 1, 2, 3 और 4। अभी मुझे बहुत गर्मी फील हो रही है इसमें, और मैंने पंखा चला रखा है उसके, इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे। हमारी ये 4 लेयर हो गई, फिर उसके बाद ये है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी डालना है। उसके बाद क्या, इसको ऊपर तक पैक करने के बाद अच्छे से ये कैप, तो मैं बिल्कुल सट पट गई हूँ, एकदम परेशान हो गई, एकदम गर्मी लग रही है। इसके बाद ये है टच स्क्रीन वाले हैंड ग्लोव्स, वो पहन लो आप, तो कोई कमी नहीं छोड़ी है, फिर भी ठंड लगेगी तो भरोसा नहीं है। और ये सॉक्स है, और ये वाले शूज है, शूज नॉट फॉर ट्रैकिंग, ट्रैकिंग के लिए अलग से आते हैं, और ये सॉक्स बहुत गर्म वाले हैं, तो ये सारा बंदोबस्त है। उसके बावजूद भी अगर ठंड लगती है तो ये सबसे गर्म है, सबसे गर्म वुलन है, इसको अंदर पहन के फिर इसको जैकेट पहन लेंगे, ऐसा इतना बंदोबस्त। 600 के शूज, और ये ग्लोव्स है 200 के, और 250 का टोपा, 100 का ये नेक पीस, ऐसे करके है। फिर गॉगल आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, मास्क आ जाएगा, फिर गॉगल, ऐसे सब करके आई एम फिट एंड फाइन जाने के लिए तैयार। ओके बाय। हाँ तो हिमाचल में जो पहनने के लिए आवाज का देखिए पहले आ रही कि नहीं, शुरू से कर।